हमारे दरवाजे की तरफ से हमारे की तरफ से पता क्या तुम नहीं ले जाओ की तरफ से हमारे हां हेलो अपने पेशे में उत्तम समाज सेवा में राजनीतिक जागरूकता में भी और स्त्री होने के अपने रूप से श्रृंगार में भी दुनिया को पूरे किशनगंज जिला का नाम रोशन किया है किशनगंज में भी रहे वीडियो नजर अरे सर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, सही बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे को वो आप नहीं फसाइएगा, फस जाता है तो फस जाता है। नहीं कुर्सी छोड़िए, कुर्सी की जरूरत नहीं है। आपके पत्रकार सम्मेलन है जी, जी एक कुर्सी और आ गई, एक कुर्सी पीछे में हो गया कुर्सी का तो लड़ाई है, कुर्सी का तो लड़ाई है, दुनिया का तो लड़ाई कुर्सी के लिए तो मारा मारी है, वरना लड़ाई ने हम लोगों ने आज आप लोगों को तकलीफ दी है। सीमांचल का एक क्षेत्र जो बहुत ही शांत और सौहार्दपूर्ण क्षेत्र है, सुनो हिमाचल का एक क्षेत्र को बहुत ही हटाना यार तुम्हारा हटा रहा आज इस क्षेत्र में मैडम जी थोड़ा सा तानाशाही के इस दौर में शाहिद भाई नहीं आ रहा है कट रहा है नीतीश कुमार के इस दौर में जबकि कानून के राज की बात कही जाती है, इंसाफ के साथ तरक्की की बात कही जा रही है, सीमांचल के साथ तो विकास के मामले में सौतेला पर हो ही रहा है, लेकिन सीमांचल में लोगों के दिलों से जो सरपसंद लोग हैं, जो समाज के गलत किस्म के लोग हैं, ऐसे आपराधिक तत्व हैं, इनके दरमियान में से कानून का भय हट गया है या के फिर कानून की सरपरस्ती के तरफ से सह मिल गया है कि पे दर पे यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। मैं दुखद घटना की खबर आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, वो ये है कि परसों रात्रि 6 बजे एक नौजवान जिसका नाम जमाल है, पिता मुमताज आलम, हाजीपुर कटिहार का रहने वाला है, 3-4 बेटियों का और एक छोटे बेटे का बाप है, वो मासूम सा बच्चा अभी उसकी बीवी के गोद में है, वो बेचारा अपनी जीविका के लिए मजदूरी के लिए 500 रुपये की मजदूरी में जो पशु के ताजिर हैं, जो व्यापारी हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि अंतर्राज्यीय व्यापारी है, बल्कि वो खेरिया हाट से लेकर के कुमेदपुर हाट जो कटिहार का हाट है, वो एक हाथ से दूसरा हाथ मवेशी हाथ कर ले जा रहा है, और वहीं पर प्राणपुर के नज़दीक में 4 आदमी मिलकर सुभाष, नीलाधर, छोटे लाल ने उसकी निर्मम हत्या कर दी, उसकी निर्मम हत्या ये कहकर कर दी रंगदारी के नाम पर, और ये मामला कटिहार शहर के 15 किलोमीटर के अंदर का है ना, और वहाँ पर ये निर्मम हत्या हो जाती है, और ये दूसरा मामला ये है कि आज से लगभग 14 दिन कब यहाँ पर मामला होता है, 31 तारीख को एक मामला होता है जमीन के विवाद का, ये मामला है आपका छगलिया बेलवा का, वहाँ पर जमीन का मालिक है जफीर और मोहम्मद ताहिर, और इन लोगों ने सूचना दी कि मेरी फसल को दूसरा काटने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम तुफैल है और सफीरुद्दीन है, 31 तारीख को इन लोगों ने थाने में आवेदन दिया, 1 तारीख को 1 नवंबर को पुलिस वहाँ जाती है, पुलिस के उस सिपाही KSI का नाम है अखिल पासवान जी वहाँ जाते हैं और दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी के क्रम में वो जो कातिल है मोहम्मद तुफैल, ये सारे लोग इन पर टूट पड़ते हैं और पुलिस उसको कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि अखिल पासवान जी वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, जफर की हत्या कर दी जाती है जिसके बाप का नाम मोहम्मद ताहिर है, निर्मम हत्या कर दिया। मेरा सीधा आरोप यह है कि नीतीश कुमार जी
पूरे तौर पर बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या माइनॉरिटी के लोगों की जान जा रही है, एक तरफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और दूसरी तरफ मवेशी हाँक कर ले जा रहा है, तो उसको भी दबंग लोगों ने वहाँ पर फिरौती के नाम पर या रंगदारी के नाम पर पैसा न पाकर उसको शाम 6 बजे उसकी हत्या कर देता है। तो कहाँ है कानून का राज और कहाँ है लोग सुरक्षित? बेटियों की इज्जत टूट रही है, गरीबों की इज्जत टूट रही है और माइनॉरिटी के लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पिछले कई महीनों की घटना है, पिछले दिनों में जैनुल आबिदीन अंसारी की निर्मम हत्या कराई गई छपरा में, और अभी कुछ दिन पहले बिहार शरीफ में भी माइनॉरिटी के लोगों को घर में बंद रखकर कर्फ्यू का नफाज हुआ, वहाँ पर वहाँ के उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया वहाँ पर, और अभी ये सीमांचल का सबसे सौहार्दपूर्ण क्षेत्र, हमारा सबसे गरीब क्षेत्र, जिनकी रोशनी में यहाँ पर हत्या की कोई खबर हम लोग को नहीं मिल पा रही। इससे पहले भी अलता में भी हुआ, वो भी दिन के 10 बजे वहाँ पर हत्या की है, करबला काशीबाड़ी में दिन के 10 बजे वहाँ पर हत्या की जाती है, और यहाँ पर भी सूरज की रोशनी में हत्या हो रही है छगजिया बिरवा में, और यहाँ कटिहार में ये जो हुआ है उनकी निर्मम हत्या हो रही है। हमारा सीधा आरोप है कि ये बीजेपी के एजेंडे पर काम कराए जा रहे हैं, अखिलेतों की जान जा रही है और नीतीश कुमार मुक दर्शक बनकर देख रहा है। वो कहीं ना कहीं से जो कॉमनल वोटर्स है उसको ये संदेश देने की का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेतों के साथ हम नहीं है। हमारा वह है, अगर नीतीश कुमार जी अखिलेतों के साथ हैं, इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं और जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री के अपने पद का निर्वहन करते हैं, तो वो उन पुलिस पदाधिकारियों पर जिनके लापरवाही के नतीजे में जान गई है उनको फौरन नौकरी से मुअत्तल करें, और जिन जिन का कत्ल सरकारी लापरवाही के नतीजे में, हम टैक्स देते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है मेरे जान, मेरे माल, मेरे अधिकार, मेरे इज्जत की रखवाली का, और जो सरकार हमारे जान की भी हिफाजत नहीं कर सके गद्दी में बैठने का उसको क्या हक है। 20-20 लाख रुपया मृतक के परिवार को उसका मुआवजा दिया जाए, उनके घर के लोगों को नौकरी दिया जाए, सरकारी राशि से उनके घर का निर्माण कराया जाए, और जो लोग कातिल हैं उनकी फौरी गिरफ्तारी हो, ट्रायल करके उनको फांसी की सजा दी जाए, और लापरवाह पुलिस के पदाधिकारियों को फौरी तौर पर नौकरी से मुअत्तल किया जाए। जो एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी भी लापरवाही इसमें है। आखिर क्यों नहीं होता है? बड़े लोगों की बेटों की किडनैपिंग होती है तो 24-24 घंटे के अंदर में, 36 घंटे के अंदर में देश के किसी भी कोने में हो वहां पर पकड़ के उसको हाजिर किया जाता है, और किसी गरीब की हत्या हो रही है, मजदूर की हत्या हो रही है, अकलियत के लोगों की हत्या हो रही है, और सीमांचल के शांत और सौहार्दपूर्ण क्षेत्र की हत्या हो रही है, क्षेत्र की हत्या हो रही है, यहाँ के सौहार्द की हत्या हो रही है, और दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है और लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि सरकारी तौर पर पूरे लापरवाही का मामला है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे खून का कीमत दो और शांति व्यवस्था पैदा करो, और पुलिस के जो पदाधिकारी निकम्मे किस्म के हैं उसको यहाँ से हटाओ। पिछले दिनों में सुशील मोदी जी ने कहा था कि अगर निकम्मेपन का मुजाहरा करो तो उन्हें अफसर का ऑफिशियल असिस्टेंट की बैठक में कहा था कि निकम्मेपन का मुजाहरा करोगे तो तुमको किशनगंज भेज देंगे। लगता है कि ऐसे पदाधिकारियों को हमारे यहाँ भेज दिया जाता है। एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर जाता है, अगर उसका हेलमेट नहीं और जूता नहीं है तो फौरन उस पर चार्ज करती है पुलिस, उसको थाना में ले जाती है उसकी गाड़ी को, और एक आदमी की हत्या हो गई है, पुलिस की लापरवाही से हत्या हुई है, पुलिस का ASI वहां पर जाता है और रोक नहीं पाता, उसकी हत्या हो जाती है। अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, मजदूरी करने के लिए जाता है और उसको हत्या हो जाती है। इन हत्यारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, उन पर स्पेशल ट्रैक कोर्ट में उस पर मुकदमा चलाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, 20-20 लाख रुपया मृतक के परिवार को जुर्माना दिया जाए, और सीमांचल से तमाम तरह ऑफिसरों को जो निकम्मेपन का मुजाहरा कर रहे हैं उसको फौरन यहाँ पर तबादला करें। और अगर सरकार तबादला नहीं करती है तो MIM ये समझने पर मजबूर है कि नीतीश कुमार जी ये बननी हुई साजिश है कि पूरे बिहार में अकलियतों को प्रताड़ित करो, इनको विकास से रोको, इनको नौकरियों में रोको और इनके क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं करो, बल्कि इनकी निर्मम हत्या अगर हो रही है उस पर कार्रवाई नहीं करके सरकार ये संदेश देना चाहती है कि कहीं न कहीं से अकलियत के लोग दूसरे दर्जे के शहरी हो गए। पूरे देश में मोदी जी के जमाने में जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, उसी काम में नीतीश कुमार जी के जमाने में हमारे अकलियतों के लोगों की किस तरह हत्या हो रही है, पिछले दिनों की घटना है जिस पर हमारे विधायक जी भी बात करेंगे। हम आपके माध्यम से हम सीमांचल के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि इन हत्यारों के खिलाफ सड़क पर हमें आना होगा। MIM सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे विधायक जी हैं, हम आशा करते हैं कि विधायक जी इस मामले को अभी जो आने वाला सेशन है उसमें जरूर उठाएंगे, और आप प्रेस के साथियों के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं कि निर्मम जिन लोगों की हत्या हुई है उनकी गिरफ्तारी हो, और जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार के लोगों को सही और माकूल मुआवजा दें। पहले भी एक हत्या हुआ था।
बात नहीं, उसमें भी पुलिस गोल बटोल करके उस मामला को आवाज कैसे नहीं कर पाता। दोबारा हत्या में अब तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी अभियुक्त उस पर नहीं पकड़ाया गया है। और पुलिस जिस दिन चाह लेगा उस दिन तो समझ जाए कि तीन फीट अगर मट्टी के अंदर में भी अभियुक्त होगा तो उसको निकाल लेगा। क्या वजह है, यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन से प्रशासन कमजोर है। मैं आपको घटना बता दूँ, पाँच तारीख की, पाँच तारीख को बेलवा में एक घटना घटती है, वॉकिंग डिस्टेंस पर थाना है, और वहाँ पर एक गरीब के घर में मैंने ढाई घंटा तक ऑपरेशन किया जा रहा है, उसका घर को तोड़ा जा रहा है, खम्भा उखाड़ा जा रहा है, पूरा टीना खोला जा रहा है, सारे चीज़ को ट्रैक्टर में लोड करके और बंगाल से कुछ असामाजिक तत्वों को ला करके सैकड़ों के हिसाब में और ला करके पूरे सामान को लोड करके लेकर के बंगाल चला जाता है। और पुलिस के पास जब वहाँ का उस वो आता है तो उसको धक्का मार करके भगा दिया जाता है, उसकी बीवी आकर के गुहार लगाती है, उसको भी भगा दिया जाता है, लास्ट में उसकी बेटी एक शायद उसका नाम सोनिया नाम की एक लड़की आती है और वहाँ का थाना प्रभारी उसको मार करके दांत तोड़ देता है, और दांत तोड़ देने के बाद वो उस आदमी को जो मारा जाता है उस परिवार के लोगों को और दोनों जा करके हॉस्पिटल में रहता है। जब मुझे खबर मिली मैं आया वहाँ पर, सरजमीन को देखा, सरजमीन को जांच करने के बाद सैकड़ों वहाँ पर लोग थे, गांव के लोग थे, वहाँ पर जितने भी ग्राम के प्रमुख उपप्रमुख जनप्रतिनिधि सारे लोग मौजूद थे। सारे लोगों के सामने में जब वहाँ पर देखा सारा बात सच्चाई सामने में आया, सात तारीख के दिन, पाँच तारीख को FIR होता है, सात तारीख के दिन हम SP साहब से मिले, अपने लेटर पैड पर लिख करके दिए कि जो सोनी को थप्पड़ मार करके उसका दांत तोड़ देता है वैसे पदाधिकारी को वहाँ से अविलंब हटाना चाहिए, उसको अगर वो वहाँ पर रहता है तो वहाँ पर जांच में भी बाधा होगा, ये लिख करके मैंने दिया। लेकिन अब तक वो पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद है, वो दरोगा वहाँ पर मौजूद है और उस दरोगा के एक शिकायत नहीं है, कोठिया ब्लॉक के अंदर सैकड़ों वैसी शिकायत है लेन देन का मामला में, चाहे वो बालू में मामला में लेन देन किया हो या फिर अन्य कोई मामला में लेन देन किया हो, सैकड़ों वैसे शिकायतें उस थाना प्रभारी के बारे में है। मैंने SP साहब से बैठ करके उनको सारा बात अवगत कराए और एक लेटर पैड पर लिख के दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई उस दरोगा के खिलाफ में नहीं हुआ है, जो बिल्कुल दुखद है। और ये समझा जाता है कि बिल्कुल पुलिस प्रशासन इसमें 100% फेल है, और अगर वो अविलंब अगर वो वहाँ से नहीं तबादला होता है तो फिर हम लोग वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ के लोगों को लेकर के थाना का घेराव करेंगे और थाना घेराव करके अविलंब उसको वहाँ पर से हटवाने का SP साहब वहाँ पर काम करेंगे। सर मेरा एक सवाल है सदर सर से, इससे बहुत पहले हम एक बार फिर बिलवा चलते हैं, वहाँ अमल जारी में अमीनुद्दीन का कत्ल हुआ था, नहीं सर उसमें MIM का कोई रोल नहीं रहा, उसको कोई न तो इंसाफ मिल सका अब तक, उनके बेवा को, उनके मासूम यतीम बच्चियों को, बच्चे को, और उसको टांग दिया गया, तीन दिनों तक उसका मोबाइल जो है रिंग होता रहा, लेकिन ना तो स्क्वाड डॉग लिया गया, न किसी की मदद ली गई, न कातिल का नाम लिखा हुआ था उंगलियों में, बजाबते जो टंगा हुआ जो लाश मिला उनका उसके पांचों उंगलियों में कातिल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। MIM उसमें बहुत ही मैंने बिल्कुल कोई रोल ही अदा नहीं किया उस समय भी हम लोगों ने SP से बात किए थे, दारोगा से बात किया था, उन लोगों ने उस मामला को हाथ में लिख करके कैसे ये कर सकता है, वो मामला को दूसरे ट्रैक में ला करके जो अभियुक्त था उन लोगों को बचाने का लोगों ने प्रयास किया ये बात है कि उस समय MIM उस समय भी प्रयास की है, उस समय भी हम लोगों ने SP से बात किया, थाना प्रभारी से बात किया, जब वो फांसी लटका हुआ था सरजमीन पर हम लोग जाकर के पहुंचे और सरजमीन पर पहुंचने के बाद उस लाश को वहां से निकलवा करके पोस्टमार्टम तक पहुंचाए लेकर के, हम लोगों का जो काम था हम लोगों ने बखूबी अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन उसमें बिल्कुल फेल्योर है, 100% फेल्योर है। इसलिए हम लोग आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोठिया वाला मामला भी वहाँ पर थाना प्रभारी को नहीं हटाता है तो फिर हम लोग थाना घेराव करने में बाध्य हो जाएंगे, आम लोगों को लेकर के थाना घेराव करेंगे। और एक बात अनंत भाई कह दें कि MIM क्या कुछ कर रही है उससे तो आप लोग अच्छी तरह से अवगत, उस हत्या के बाद स्विंग में गया हूँ, पुलिस की इंक्वायरी मेरे सामने लोगों ने किया है, हम लोगों ने ऊपर के ऑफिसर से बात की है, ये सवाल जो आपका होना चाहिए सरकारी दल में MLA हैं उन लोगों से होना चाहिए,
हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं ना, आज तो हम लोग के तमाम तरह पवित्र पद से आप प्रयास को विफल कराने की कोशिश की जा रही है। हम लोग घर वाले की पैरवी कर रहे हैं और सत्ता में जो लोग बैठे हुए वो चोर की पैरवी कर रहे हैं। हम लोग आज भी जो ये बात कर रहे हैं, आज सत्ता में बैठे हुए लोगों के मुंह में क्या चला गया सर? आपके पीसी में सरकार के लोगों से कैसे पूछा जाए, है ना? उनके पीसी में ना उनसे पूछा नहीं, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या किया, तो हमारा जो काम करना है तो हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। ये उन लोगों को नंगा कि हम अखबार में देखना चाहते हैं कि सत्ता के लोगों ने क्या किया इस मामले में। क्या वो आदमी की निर्मम हत्या हो जाती है जिंदा है साहब? वो पुलिस वाला ऑफिसर अभी तक यहाँ पर मौजूद है, क्या वजह है? वहां पर लड़की का मार के दांत सिविल सोसाइटी की हिफाजत के लिए पुलिस है, और उसके थाना के बगल में वहां पर घर तोड़ा जाता है, उसका टीन, उसका दरवाजा, उसके घर का सामान को ट्रैक्टर में लादा जाता है। पुलिस की संलिप्तता के बगैर ऐसा काम हो सकता है क्या? तमाम दर मेरा दावा है, यहाँ जितना क्राइम हो रहा है, जितना भी रोड पर ओवरलोड गाड़ियां जा रही हैं, जितना भी यहाँ पर मामला हो रहा है तस्करी का, उसमें सारे तौर पर पुलिस संलिप्त है। अगर पुलिस संलिप्त नहीं होती तो किशनगंज के सौहार्द अमन पसंद जगह में इस तरह की हत्या नहीं होती। पूरे तौर पर पुलिस संलिप्त है, सारे मामले में पुलिस संलिप्त है और कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले दिन में जो घटना घटी वहां पर किशनगंज के सौहार्दपुर मामला बिशनपुर में घटना घटी, लोग केस में उलझे हुए हैं। कौन थी वो नेत्री जो आकर के यहाँ पर पूरा उधम मचाने का काम किया? ये पूरे तौर पर कहीं ना कहीं से पुलिस का उसको सह है, और पुलिस तो जो कुछ की होती है, पुलिस तो गुड़िया की तरह नाचती है उतार में। ये पूरे तौर पर नीतीश सरकार का इशारा है कि सीमांचल के लोगों को ऊपर उठने मत दो, उनको नौकरी मत दो, उनको स्कूल मत दो, अलीगढ़ की जमीन मत दो, उनको आगे आने मत दो, उनको इस तरह के माहौल में बता दो कि खौफ के आलम रहे। हमारे यहाँ से ज्यादा कहीं अफसर की दादागिरी है क्या? स्कूलों में आज भी टीचर नहीं है, किताबें नहीं है। हमारे यहाँ लोगों ने टॉयलेट का घर बना लिया है साहब, कर्जा लेकर के। कहा मोदी जी ने कि सबको हम स्वच्छ भारत बनाने जा रहे हैं, और गांव के लोगों को कहा कि तुमने वो बनाओ, अपना टॉयलेट का घर बनाओ, तुमको पैसा देंगे। बेचारा गरीब भीख मांगने वाला वो महाजन के हाथ से पैसा लेकर के घर बना लिया है, सीईओ उसका सोया हुआ, पैसा नहीं मिल रहा लोगों को। क्या हो रहा है यहाँ पर आखिर? हम तो ये सारे मामला थे, लेकिन ये निर्मम हत्या हुई है। सबसे मामला हत्या का ये गंभीर मामला है कि ऐसी हत्या दिन दहाड़े हो जाए किशनगंज के इलाके में। हम लोग तो खाबू में भी नहीं सोच सकते थे कि किशनगंज में दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में हत्या हो जाएगी। ये पूरे तौर पर पुलिस बल के निकम्मेपन का नहीं, बल्कि पुलिस की कहीं ना कहीं इन तमाम तर लोगों के साथ संलिप्तता है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं घट रही है हमारे। तमाम पत्रकार बंद होने से कहना चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में एसपी साहब और डीएम साहब से भी जाकर पूछेंगे कि भाई क्या है।